हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक हो। मेरा नाम है फिरोज पिंजारी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दाबें। आज मैं आपको बताऊंगा फॉल सीलिंग में लाइट कैसे कट करते हैं और कैसे फिटिंग करते हैं और चालू करके बताऊंगा दोस्तों, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, आप अंत तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये हमारे एलसीडी के लिए फाल सीलिंग करी हुई है और पीछे से बैक साइड में इसकी पीवीसी करी हुई है वॉल के ऊपर। देखिए ये हमारे लाइट्स हैं, 3-in-1 COP लाइट्स हैं, 3 वाट के हैं दोस्तों। ये वायर में हमको उसको अटैच करना है, ये हमने छेद पहले से कट कर लिया था। देखिए अब हम वायर को छिल रहे हैं, लाइट को जॉइंट कर रहे हैं अभी वायर में। अच्छे से टेप मारना चाहिए ताकि लूज कॉन्टेक्ट ना हो। देखिए दोस्तों, लाइट किस तरह फिट करें हमने। अब जहाँ पे हमारे को लाइट से अड़ रहा था, लाइट से बड़ा हो रहा था, वहाँ पे हम देख रहे हैं माप से काट ले रहे उसको। देखिए हमने कट कर लिया है, अब लाइट्स को फिट करेंगे। ये हमारे ओरिएंट कंपनी के लाइट्स हैं, 3-in-1। देखिए दोस्तों, एक एक करके हम सभी लाइट फिट कर देंगे। देखिए हमारा लाइट बिल्कुल फिक्स आ गया है। देखिए सब एक एक करके हम फिट कर रहे हैं, लगभग 12 लाइट्स हैं हमारे। इसके बाद हम बोर्ड फिटिंग बताएंगे दोस्तों, बोर्ड कैसे फिट करते हैं। देखिए ये हमारी 1 mm की वायर है, वी गार्ड कंपनी की। देखिए दोस्तों, बोर्ड कैसे फिट करते हैं। ये बोर्ड में हमने 2 स्विच बढ़ा दिए हैं, एक स्विच के ऊपर 7 लाइट हैं, एक स्विच के ऊपर 5 लाइट हैं। देखिए पहले चेक कर लेते हैं वहाँ सब लाइट चालू है कि बंद है। देखिए दो दो करके चेक कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर के भी 4 चालू हो गए हैं, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। अभी हम दोनों को अटैच कर देंगे बोर्ड के अंदर। अगर आपको इलेक्ट्रिक की कोई भी काम सीखना है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए अच्छे से काफ़ी टाइट कस रहे हैं ताकि लूज कॉन्टेक्ट ना हो ज़रा सा भी। अब एक बार चेक कर लेंगे हम। देखिए दोस्तों, अब हम बोर्ड को फिट कर दिए। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, बीच में एलसीडी फिट कर रहे हैं हम। देखिए दोस्तों, ये एलसीडी हमारे 32 इंच की है। देखिए किस प्रकार हम फिट कर रहे हैं। पहले हमने छेद मारे, उसके बाद हम उसका ग्रिप डालेंगे, इसके बाद एलसीडी का स्टैंड फिट करेंगे हम। देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब हम एलसीडी लगा रहे हैं। देखिए ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। थैंक्स दोस्तों।